हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम। यहाँ पर मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। तो आज मैं बनाने वाली हूँ साबूदाना और आलू के अप्पे। अप्पे पैन में बनाऊँगी। साबूदाने और आलू के बड़े तो मैंने काफ़ी बार आप लोगों के साथ शेयर किए हैं किस तरह से बनाती हूँ। तो आज मैं अप्पे पैन में बहुत ही कम ऑयल के साथ बढ़िया सा ब्रेकफास्ट बनाने वाली हूँ। तो आप लोग भी ज़रूर एक बार बनाकर देखिएगा। और सच में काफ़ी अच्छे बने थे, मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाए थे। तो बस यहाँ पर जो साबूदाने हैं, मैंने मीडियम साइज़ के साबूदाने लिए थे। आप मोती दाना भी ले सकते हैं। और बॉईल किए हुए आलूओं को अच्छे से मैश करके इनको मिक्स कर लिया था। उसके बाद हरी मिर्च डाल दी थी, थोड़ी सी कसूरी मेथी, काली मिर्च पाउडर, नमक और थोड़ी सी मूंगफली को मैंने रोस्ट करके उनका छिलका निकाल कर दरदरा ग्राइंड करके ऐड कर दिया था। और बस इन सब को अच्छे से मिक्स कर लिया था। अभी यहाँ पर मैंने छोटी छोटी बॉल्स बना ली हैं। तो जितने साइज की बॉल्स अप्पे पैन में आ जाएं उतनी ही बना लेना है। तो ये जो है बहुत कम ऑयल में बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार हो जाएगा। अगर आप ज़्यादा ऑयल नहीं खाना चाहते हैं तो आप आराम से अप्पे पैन में इसको बना सकते हैं। और आप जो टिक्की होती हैं उस तरह से भी इनको सेक सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अप्पे पैन रख दिया है, इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दूँगी मैं सभी जो पार्टीशन हैं उनमें। और बस जो बॉल्स बना के रखी हुई हैं उनको ही इसमें रखती जाऊंगी। तो अगर आपके पास अप्पे पैन नहीं है तो आप इनको थोड़ा सा दबा दबा कर पैन पर थोड़ा सा ऑयल डालकर सेक सकते हैं, जैसे कि हम आलू टिक्की वगैरह सेकते हैं उसी तरह से। तो मैं आज इस तरह से बना रही हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने जो सारी बॉल्स हैं वो रख दी हैं अप्पे पैन में। और इनको अब मैं ढक कर कुछ देर के लिए पकने दूंगी। और गैस का फ्लेम हाई नहीं करना है, वरना ये ऊपर से तो जो है क्रिस्पी हो जाएंगी, कलर आ जाएगा, अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो इनको आप बिल्कुल मीडियम से स्लो फ्लेम के बीच में ही पकाएं। और बहुत जल्दी पक जाती हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो बाकी जो डो था उसकी मैं बॉल्स बनाकर यहाँ पर तैयार कर रही हूँ। और इनको अब मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। तो बस अब इनको मैं पलट कर देखूंगी। और स्पून से आप इसको इस तरह से पलटें, बहुत आसानी से पलट जाती है। और आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है। और नाइफ़ से अगर आप पलटेंगे ना तो पलटती भी नहीं है और टूटने का डर भी रहता है। तो स्पून से देखिए कितने बढ़िया से ये तुरंत पलट जाती हैं। तो बस इनको अभी मैं दूसरे साइड से भी इसी तरह से अच्छे से सेक लूँगी। और उसके बाद जो ये बॉल्स मैंने बनाई हैं फिर इनको भी सेकंड टाइम मैं सेक लूँगी। तो कौन इस तरह से बनाता है अप्पे पैन में साबूदाने और आलू के बड़े, ज़रूर बताइएगा मुझे। मैंने तो फर्स्ट टाइम बनाए हैं और बहुत अच्छे बने थे। तो बस यहाँ पर मैं इनको चेक कर रही हूँ, पलट रही हूँ। तो बस ये आप देख सकते हैं बढ़िया से सिक चुके हैं। अब इनको मैं निकाल लूँगी प्लेट में और बस वापस से थोड़ा सा ऑयल ऐड करके अप्पे पैन में जो बनाकर रखे हैं मैंने, तो पूरे सात नहीं बने थे, सात पार्टीशन है, लेकिन ऑयल मैंने सभी में डाल दिया था, मुझे याद नहीं रहा। तो छह बॉल्स बनी थी, इनको भी मैं रख दूँगी। और बस अब जो है हम बढ़िया सा अपना टेस्टी नाश्ता एंजॉय करेंगे। साथ ही साथ मैंने चाय भी बनाई है, तो यहाँ पर चाय बनकर तैयार हो चुकी है, उसी को मैं छान रही हूँ। और हम इसको टमाटो केचप के साथ, हरी चटनी के साथ, चाय के साथ, किसी के भी साथ खा सकते हैं। और आप व्रत में भी इनको बनाकर खा सकते हैं, तो ये व्रत के लिए भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। तो चलिए हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ खाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब, होप आप लोग अच्छे होंगे। अभी टाइम हो रहा है इवनिंग का, 6 बज रहे हैं, पीछे आप देख ही सकते हैं। तो मॉर्निंग में मैंने आपके साथ ब्रेकफास्ट की रेसिपी शेयर की थी, उसके बाद कुछ भी शूट नहीं किया। अब मैं आप लोगों को सीधे इवनिंग में मिल रही हूँ, तो सोचा चलो आप लोगों से बात भी कर लेती हूँ। और मौसम जो है ना काफ़ी अच्छा हो गया है, कल धूप हो गई थी लेकिन फिर से अभी शाम से बहुत अच्छा मौसम हो गया है, तो बहुत गर्मी नहीं लग रही है और ऊपर पंखा चल रहा है। तो अगर आप लोगों को आवाज़ आए ना तो इग्नोर कीजिएगा। और मुझे ना एक बात अपने सब्सक्राइबर से बोलनी है, कुछ सब्सक्राइबर हैं, कुछ हैं क्योंकि जो नए जुड़ते जाते हैं ना, मैं उनकी बात कर रही हूँ,
तो मैं वीडियो वगैरह अपलोड कर दी ना तो उस पर कमेंट करते हैं बहुत। एक सब्सक्राइबर तो काफ़ी कमेंट कर रही हैं कि आपके हस्बैंड क्या जॉब करते हैं, आपके पापा क्या जॉब करते हैं। तो वैसे उनको मैंने पर्सनली बता दिया है, आंसर दे दिया है, लेकिन फिर भी ये कमेंट और काफ़ी कमेंट कि आपका मायका कहाँ है, ससुराल कहाँ है, आप कौन सी सिटी में रहते हो, तो ये ना क्वेश्चन काफ़ी आते हैं और मैं कंटिन्यू आंसर दे पाती हूँ तो दे देती हूँ। लेकिन उनसे मैं यही बोलूँगी कि आप लोग जाकर मेरे इंट्रोडक्शन वाले वीडियो को चेक कर लीजिए, उसमें आपके सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आपको ढूंढना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं बोल देती हूँ कि इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए तो बोलते हैं कि हमें नहीं मिल रही है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक छोड़ दूँगी, जिसको भी देखना है, जो भी जानना चाहता है मेरे बारे में, मेरी एजुकेशन लाइफ, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप लोग चेक कर लीजिएगा। जिसको भी देखना है, जो रेगुलर हैं काफ़ी पुराने सब्सक्राइबर वो तो सब जानते हैं, लेकिन जो न्यू जुड़ते जाते हैं ना वो पूछते हैं। और मेरे पास ये कमेंट भी आया था कि जो माइक्रोवेव है वो कितने का लिया है हमने, तो इस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है। दिवाली शॉपिंग की थी तो उसमें मैंने दिखाया था बिथ प्राइस, और अभी सच बताऊं तो मुझे प्राइस याद नहीं है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें लेते हैं और माइंड से निकल जाता है, और दिवाली पर लिया था हम लोगों ने। मैं दिवाली की शॉपिंग वाली वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कि कंपनी कौन सी है, प्राइस क्या है, सब कुछ मैंने उसमें डिटेल से बताया है। तो बस यही मुझे बोलना था, क्योंकि बार बार कमेंट आते हैं, फिर मैं अगर आंसर नहीं दे पाती हूँ ना तो ये भी आते हैं कि आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो। तो वैसे तो ज़्यादातर मैं सभी का रिप्लाई करती हूँ, आप लोग जानते हैं, देर हो जाती है, कभी ऐसा होता है कि बिजी रहते हैं, हम भी इंसान हैं, हमें भी काम होते हैं कुछ ना कुछ, तो नहीं कर पाती हूँ रिप्लाई। लेकिन जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं एक साथ सारे रिप्लाई दे देती हूँ। तो मुझे ये बात क्लियर करनी थी, क्योंकि कमेंट ना कंटिन्यू आते रहते हैं, तो मैं कब तक हर चीज़ को बार बार बताऊँगी, इसलिए आप वीडियो देख लीजिएगा। और बस एक कमेंट ये आया था कि आपकी देवरानी का नाम क्या है, मैंने नहीं बताया पहले, चलिए बता देती हूँ, उनका नाम है रेनू। आप लोग सोच रहे होंगे मेरा नाम भी रेनू, उनका नाम भी रेनू, तो हाँ दोनों का नाम सेम है, और वो भी रेनू, मैं भी रेनू। तो अभी जो दो बहुएँ घर में आई हैं, मेरे हस्बैंड सबसे बड़े हैं और सेकंड नंबर के देवर की भी मैरिज हुई है, तो दोनों बहुएँ अभी रेनू नाम की हैं। अब थर्ड और फोर्थ किस नाम की आती हैं पता नहीं, हम दोनों का नाम सेम है, मैंने बता दिया है। और अगर आप लोगों के मन में और भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर दीजिएगा, आप लोगों को मैं आंसर दे दूँगी। तो बस यही मुझे क्लियर करना था, तो जो लोग नए जुड़ते हैं ना तो वो जानना चाहते हैं, उनकी भी गलती नहीं है, तो इसीलिए मैं लिंक दे दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ मैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद। मार्केट से ये लेकर आए हैं कुछ सामान, मैंने मंगाया था कुछ और लेकर कुछ आए हैं, मैंने मंगाए थे इनसे पाव तो वो इनको नहीं मिले। अब इनकी भी गलती नहीं है क्योंकि मिले नहीं, जिस बेकरी से हम लोग लेकर आते हैं ना उस बेकरी पर नहीं थे, तो वहाँ से ये रस्क लेकर आए हैं, ये एक पैकेट, ये काफ़ी अच्छे लगते हैं ये वाले रस्क, इन पर जो है ना ये सफ़ेद तिल लगे हुए हैं ना उससे बहुत अच्छे लगते हैं ये खाने में। और एक ये लेकर आए हैं पैकेट अमेरिकन कॉर्न का, जो कि मैंने मंगाया था, तो ये फ्रोजन अमेरिकन कॉर्न है, तो इसको मैं अभी पैकेट को ऐसे ही फ्रिज में रख दूँगी। और ये लेकर आए हैं आइसक्रीम, जो कि मेरी फेवरेट है, चोकोबार, आप देख सकते हैं, मुझे यही आइसक्रीम सबसे ज़्यादा पसंद है, मेरी फेवरेट है, तो मुझे खाना था। मैंने इनसे एक दो दिन पहले बोला था, लेकिन अभी ये मार्केट गए थे, बोला नहीं था, लेकिन इनकी आदत है ना, याद रहता है, तो बस ये लेकर आए हैं और बोल रहे हैं दोनों तुम्हारे लिए हैं। और ये बिस्किट भी लेकर आए हैं बेकरी से ही, ओपन वाले हैं, कैसे हैं दिखा देती हूँ, इस तरह से है ये बिस्किट, और भी दो तरह के हैं और एक जो है ना इस तरह के हैं, तो ये बहुत ही सॉफ्ट हैं, ये देखिए मैंने तो तोड़ा और देख कितनी आसानी से टूट गया ना, बहुत सॉफ्ट हैं, बहुत अच्छे लगते हैं ये खाने में, पहले भी खा चुके हैं हम लोग लेकर आए हैं, तो बहुत ही सॉफ्ट रहते हैं और मीठे रहते हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं खाने में। तो इनको मैं ना कंटेनर में निकाल के रखूँगी अभी, और आइसक्रीम और जो ये अमेरिकन कॉर्न का पैकेट है इसको फ्रीजर में डालूंगी और इनको भी भरूंगी ये कंटेनर में।
आ गई हूँ किचन में और मैं बनाने वाली हूँ चपाती। तो सब्जी मैंने बना ली है, ये मैंने बनाई है भरमा बैंगन की सब्जी और ये बनाए हैं साथ में राइस। तो इनको कैसरोल में निकाल दिया है, थोड़े ही बनाए हैं क्योंकि मैं ही खाऊंगी। और बस अब जो है मुझे सेकनी है चपाती, तो चलिए मैं चपाती बना लेती हूँ। यहाँ पर मैं सेक रही हूँ रोटियाँ। तो भरमा बैंगन की रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ इसलिए शेयर नहीं की क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी बार शेयर कर चुकी हूँ और राइस भी बनाए हैं मैंने, तो चपाती ज़्यादा नहीं बनाना है, थोड़ी ही बनाऊँगी। और मेरी एक सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है खुशबू कुमारी, उनकी एनिवर्सरी है 27 जून को। सो विश यू हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी बोथ ऑफ यू। आप दोनों का प्यार और साथ हमेशा इसी तरह से बना रहे। चपाती बनकर तैयार हो चुकी हैं, तो बस ये लास्ट चपाती हैं, तो इन्हीं को मैं सेक लूँगी और साथ ही साथ घी भी लगा के रख दूँगी क्योंकि मैं उसी टाइम बनाती हूँ जब हमको खाना होता है गरम गरम। तो बस घी लगा के भी रख दूँगी, बाकी जो प्लेटफॉर्म है इसको भी मैं क्लीन कर दूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मुझे दीजिए इजाज़त और आज के इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आज का ये ब्लॉग आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आप सभी से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।